स्काइली मैडम रोटी खा रही है। ये बैका की रोटी, ये बैका की रोटी। और ये तीनों पे नजर लगाई, ये देखो पहुंच गई ना मेरे कब तक, मेरे कब तक पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई। ओहो पीछे करो तो कुबी। माशाल्लाह मेरे शहजादे बॉयज। चलो इधर बैठो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास है बिल्लू। हम लोग बाहर शाम को निकले हुए थे तो बिल्लू को मैंने बाहर ही ले आई थी ताकि थोड़ी देर वो भी इंजॉय करे। तो मैं निकालती रहती हूँ एक एक बच्चे को बाहर ताकि उनका माइंड जो है वो ज़रा फ्रेश रहे। बाहर बच्चों का भी घूमने का दिल करता है। बस साथ साथ फेर रहे हैं इनके। बिल्लू, बिल्ली, 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 वो फ्रॉग पकड़ रहा है। ओ मेंढक पकड़ रहा है उसे और बोल भी रहा है। बिल्लू बिल्ली बिल्लू मोरी ना बहुत खुश होती है भाई। डॉग तो वो कह रही थी ना देखो मुझे लगता है गए तो इसने बोल दिया बैठना होगा। आओ भाई गोद में बैठो। इसने खुद ही ये देखें जी हमारा लॉइन 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 अपनी टेल तो दिखाओ। लॉइन कटिंग करवाई है इसने। और अभी हम आ गए थे मम्मा के घर रात को तो ये मम्मा के जो दो छोटे किटन्स हैं, किटन्स तो नहीं खैर ये भी अब बड़े ही हो गए हैं, ये छोटी नूर के बहन भाई हैं उसके साथ ही पैदा हुए थे टॉम और रोज़। तो इन दोनों को आज शेव करवाया, इनको हेयर मैट्स काफ़ी हो रहे थे और वो सामने इनके बाबा मिकी जो हैं वो गैलरी से देख रहे हैं। और साथ में रोज़ जो है रोज़ को स्प्रे भी करवा दिया है अभी से ही। नूर की ये बहन है रोज़ और इसको स्प्रे करवाया और दोनों को शेव भी करवा दिया है। और यहाँ पे फ़ुज़ैल चाय पीने लगे हैं। मम्मा फ्रेंच टोस्ट बना लाई थी फ़ुज़ैल के लिए। तो है तो ये अभी छोटी सी ही लेकिन इसको स्प्रे करवाना ज़रूरी था क्योंकि मम्मा के घर के जो मेल हैं वो हीट पर आज कल आए हुए थे। मिस काइली मैडम रोटी खा रही हैं। ये बैका की रोटी, ये बैका की रोटी पे कब्जा कर लिया इन्होंने। ये बैका की गलती से मैंने रोटियां ला के तो रखी हैं। ये तीन भी लगे हुए हैं और ऊपर काइली आई है और उनसे एक नवाला लेके ये आ गई है काइली खाने। अगर आपने इन्हें रोटी देनी है ना तो बहुत कम मिकदार में देनी है, ज्यादा नहीं देनी इन्हें फिर डायरिया हो जाएगा। दें भी तो चिकन सूप के साथ बस इतनी सी दें। ओ ये देखो 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 ये पीछे करो। ओ ये काटे छोड़ो मुंह से छोड़ो काली सी रोटी खींच लो ना करो खाने तो खाने दो। अच्छा गाओ 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 नहीं कोई तंग करता। मैक्स को देखो मैक्स बेबी आज बेबी भी रोटी खा रही है। बड़ी बात है बेबी आज बेबी भी रोटी खा रही है। आज ही हमारे घर में एक लॉइन आया है। लॉइन हमने खरीदा है तो अभी हम आगे जाके आपको लॉइन से भी मिलवाते हैं। लॉइन माशाल्लाह बड़ा प्यार है। मफिन ना काफ़ी देर से बाहर था तो मुझे बोला कि मफिन बाहर है, पता नहीं क्या कर रहा है, जाके उसे देखो। मैंने मफिन को ना आवाज़ दी, मफिन भागता हुआ आया। अब मफिन भी उनके साथ मिल के रोटी खा रहा है। मफिन देखो देखो सारे जानवर ही ऐसे करते हैं ना, पाँव रख के दोनों हाथों से ना पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा है ये देखो। अच्छा माशाल्लाह हमारे सारे बच्चों को रोटी अच्छी लगती है।
हाँ हमारे सारे नहीं वो नहीं खाती, एक मिनी को नहीं पसंद रोटी, बड़ी और नूर भी खाती। बड़ी नूर भी नहीं, बड़ी नूर को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना, और एक छोटी मैगी को भी नहीं पसंद, छोटी मैगी भी नहीं खाती। चिकन के साथ डाल के दूँ ना कभी कभी तो सारे हाथ चिकन खा लेती है, रोटी बचा देती है। मैं अमूमन रोटी नहीं देता, रोटी बहुत कम देता हूँ बच्चों को। बेका के लिए मैंने 3 बनाई थी तो उसमें से ये खा गया, और किसी ने कमेंट किया था कि बेका को आप सिर्फ रोटी का दिया करें, तो आपको क्या पता हम उसको क्या क्या देते हैं। हाँ खुद से जजमेंट करने लग जाते हैं, रोटी ना दिया करें, फलानी जगह पे ना दिया करें। ओ भैया मैं आपसे खाती है वो, पंजे भी खाती है वो, चिकन भी खाती उसे है, उसे मुंह में डाइट भी देते हैं, वो दूध भी पीती है, उसे हम उसको हर चीज देते हैं, उसे हम हर चीज देते हैं, पूरी उसे डाइट देते हैं जो उसे चाहिए होती है। बॉयज बॉयज मक्खियां आ रही हैं, बॉयज मैक्स तो मैं पता ही नहीं, मैक्स 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 आपने वीडियो समझ लिया था, वीडियो नहीं बात सुनो, वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है ये देखें, वो जो हमने टिकटॉक बनाया ना उसमें मेरी उंगली जख्मी हो गई। ओए 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 ये चीरी बॉयज माशाल्लाह तो कभी माशाल्लाह मेरे शहजादे बॉयज, चलो इधर बैठो लालची मैक्स 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 बहुत लालची है मैक्स। तो गोभी ये जरा मेरी फिंगर को चाटना जो तुमने भी मारा है मुझे पंजा, हील हो जाएगा ना फिर जल्दी, मैंने सुना है जब आपका जख्म हो जाता है ना तो बिल्लियां जब अपना जख्म खुद चाटती हैं तो वो जल्दी हील हो जाता है, इनकी ज़ुबान में कुछ ऐसा अल्लाह ताला ने रखा होता है। अब देखो इनकी ज़ुबान में यहाँ पूरा जाल सा अल्लाह ने फिट किया होता है, ये अपनी ग्रूमिंग खुद करते हैं। या स्कूबी ने माशाल्लाह स्कूबी को कभी हमने ब्रश नहीं किया, ये देखें स्कूबी अपनी ग्रूमिंग खुद करता है और बाल भी इसके कितनी सिल्की हैं। मैक्स की नज़र इतनी गंदी है, मैक्स की नज़र ना इस रोटी पर है बेका की, लेकिन मैंने देनी नहीं है बेटा, नहीं दे सकता आपको रोटी, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आज तुमने लॉइन को नहीं निकाला जो हम लेके आए हैं, वो लाइन अभी तक अंदर है, वो लाइन अंदर अभी हम निकालते हैं, उस लाइन को भी दिखाते हैं आपको। हम चाय पी रहे हैं यहाँ ना, बच्चों ने हमारा ना जीना हराम किया हुआ है, मैंने आपको कहा था मैं आपको लाइन से मिलवाऊंगा तो मैं मिलवाता हूँ जी आपको लाइन से। ये देखें इस चीज ने ना पागल, ये कितनी पागल हुई हुई है चाय के लिए, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखें फुल जोर लगा रही है और ये नीचे जाएगी, ये देखें जम की है, ये चाय पड़ी है। तो जी आपको मिलवाता हूँ लाइन से, वहाँ पे बिस्किट और चाय खाई जा रही है ना, नदीदों की तरह देख रही है और कह रही है मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें काट लूँगी। कुछ नहीं मिलना आज, इसे कुछ भी नहीं मिलना इस अफलातून को। ओ अफलातून भी आ गया, वो मुझे खींच लेगा, वो तो अपनी खाने देगा ब्राउनी, 2 ब्राउनीज बिस्किट खा रही थी और बीच में अफलातून भी आ गया तेज गाम। चाय नहीं पीनी आपने, अब ये लो ये खाओ, पूरा हमारा बिस्किट तुम दोनों ने तीनों ने ज़ाया किया है, हमें भी नहीं खाने दिया, हम तो खा लेते, तुम्हें पता नहीं ब्राउनी के रिस्क को नहीं ज़ाया करते। हाँ बड़ी ब्राउनी तुम तो इतनी समझदार हो, तुम इनको समझाया करो ना, ये छोटी तो है ही बेवकूफ़, इतना भी कोई भूखा होता है मेरे हाथ के ऊपर जंप ना करना, मुझे पता तो मेरे हाथ के ऊपर जंप करोगी। चाय पीना चाहती है लड़की, ये देखो पहुंच गई ना, मेरे कब तक पहुंच गई। ओ, पीछे करो मुझे, छोड़ दो ओ मेरी शहजादी मेरी चूड़ी लड़की, ये तीनों मुझे नजर लगाएंगी। हाँ तीन लड़कियां माशाल्लाह, ये सबसे प्यारी लड़की है, ये सबसे प्यारी माशाल्लाह बड़ी हो गई है काइल ना, सबसे प्यारी लड़की हमारे घर ये है, सबसे मरी शहजादी, सबसे परी छोटी और बहुत प्यारी माशाल्लाह। ब्राउनी और फ्लोरा की नजर मेरे कप पर है। ओ वीडियो लगा दी,
ये देखो, ओए होए क्या हो गया, इतनी भी हमस होती है किसी में, मेरी चाय बर्बाद कर दी रे, मेरी चाय बर्बाद कर दी, गंदी बच्ची छोड़ो दो नीचे इसको, ये क्या चीज है। और मैं जी अब किचन में आ गई हूँ, शाम की चाय हम लोगों ने पी ली थी और बर्तन वगैरह धोने हैं शाम की चाय के, और साथ में डिनर बनाना है तो डिनर की तैयारी करने लगी हूँ मैं, और साथ साथ जो है किचन की क्लीनिंग भी करती ही रहती हूँ ताकि बिल्कुल भी गंद ना मचे किचन में। और मेरा ओपन किचन है तो मुझे इसकी सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो क्योंकि अगर ज़रा सा भी किचन में गंद होना तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही गंदा है। बस चाय के बर्तन जो हैं वो धोकर रखती हूँ, और उसके बाद मैंने मटन निकाला था तो मटन भी वॉश करके रख लेती हूँ, और साथ में जल्दी से खाना पकाने के लिए रख देती हूँ। और मेरा यही टाइम होता है कि शाम की चाय के बाद जब मैं खाना बनाने रखती हूँ तो साथ ही मेरा एडिटिंग का काम भी स्टार्ट हो जाता है, एडिटिंग करनी होती है, व्लॉग्स अपलोड करने होते हैं, बस इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। ब्राउन तुम्हें चिकन खाना है आज? बिस्किट तो खत्म हो गया ब्राउन के, ब्राउन अब चिकन ही खाएगी। हाँ, ये हमारी ब्राउनी बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, तो आजकल ये हमारे साथ बाहर ही होती है। और जिस लॉइन की हम बात कर रहे थे ना, वो लॉइन अभी हम आपको दिखाते हैं, बस थोड़ी देर में ना हम आपको वो दिखाते हैं। बड़ा प्यारा लॉइन है माशाल्लाह से, और बहुत ही खूबसूरत भी है। ये भी तो लॉइन है ना हमारा, ये भी तो छोटा सा लॉइन है। और जी यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं। तो जी मिलिए हमारे लाइन से, ये रहा हमारा लाइन, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी टेल देखें, लाइन अब भाग रहा है। तो मैं लाइन की ना, लाइन मेरे हाथ नहीं आ रहा, वो देखे पीछे छुप गया हमारा लाइन, इधर आओ लाइन, लॉइन की जो टेल है ना आप वो देखें, टेल देखें लॉइन की, माशाल्लाह बिल्कुल लॉइन जैसी टेल है। असल में इसकी टेल की स्टोरी जो है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, क्यों इसकी ऐसी टेल हुई, किसकी टेल, इसलिए अभी किसकी टेल पे ना क्लॉट्स थे, तो वो हमने हेयर मैट्स हो रहे थे ज़्यादा, तो वो हमने कट किए तो उसकी टेल ना ऐसी बन गई, कुदरती तौर पर लॉइन्स वाली बन गई। और माशाल्लाह है अभी तो लॉइन ही ना हमारा, सुबह से हम लॉइन 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 कर रहे थे, तो लॉइन से भी खूबसूरत है। ये पता है क्या करती है, ये पानी गिराती है जो इनका बकेट में होता है पीने वाला, और उस पर लेट जाती है, जिस वजह से इसके क्लॉट्स बन गए थे, वो जैसे ही मैंने हेयर मैट्स उतारे हैं तो बाकी टेल इतनी सी रह गई है। अगर आपकी कैट्स को भी क्लॉट्स हैं तो वो लाजमी उतार दें, क्योंकि हेयर मैट्स जो होते हैं ना वो नीचे से बॉडी को जख्मी कर देते हैं। एक मिनट ना, आपकी वीडियो बन रही है ना ब्रोनी, अगर आप चाहें तो अपनी कैट को शेव भी फुल करवा सकते हैं, हम इसको फुल शेव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एसी में रहती है ना, फिर इसको सर्दी लग जाएगी। हमने वो बलोनी, आप तो बुले पाले लग रहे हो। शुक्र है ब्रोनी, तुम इतनी छोटी सी हो, इतनी प्यारी सी हो, इतनी लविंग सी हो, अगर तुम बड़ी हो जाओगी ना तो फिर जो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, हमें रखते किधर। तो शुक्र है जी, ये शेर जैसे बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, छोटे ही प्यारे लगते हैं। इसका कलर भी लाइन वाला है। गुस्सा आ गया जी ब्रोनी को। बलोनी, यहाँ पे मैंने अपना खाना डिनर बनाने के लिए रख दी है, वो पक रहा है, उसकी आवाज़ तो आपको बॉदर करेगी वीडियो में। ये दिखाओ दो काके, ये दो काके देखें जी, कुकर की तरफ नजर है दो काकों की। मेरी डॉल आ जाए अंदर। पहले ना हमें ना पता नहीं चलता था कि कौन सी वाली ब्राउनी फेर रही है, छोटी है या बड़ी है, अब हमें आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी है, बड़ी की टेल ऐसी हो गई है और छोटी तो सही है। पहले पता ही नहीं चलता था ना, दोनों की शक्लें सेम है। बलोनी जंप करेगी, ये तो बहुत ही प्यारी है, चांद है छोटा सा चांद। इतनी प्यारी मेरी बेटियां, इतनी प्यारी बेटियां मम्मा की, इनको पढ़ के ना 100 दफा माशाल्लाह बोला करें। मम्मा की बेटियां, टेल देखो उसकी, टेल कैसे लहर रही है हवा में, उतरने लगी है छोटी। आप भी जाने, आप भी उतर आओ नीचे, बड़ी ब्राउनी आ जाओ। किसी ने पूछा था कि ब्राउनी जो है वो क्या पंच है आपकी, तो ब्राउनी जो है वो सेमी पंच है।
पंच कैट में आपको भी दिखाता हूँ लाके, हमारे पास दो हैं। अब आपको बताते हैं डिफरेंस। ये है हमारी पंच फेस कैट, ये है हमारी डॉल फेस कैट और ये है हमारी सेमी पंच। तो आप देखें कि सबका जो फेस कट है ना वो डिफरेंट है। ये प्योर डॉल फेस है, ये देखें रायर डॉल फेस है और ये सेमी हल्का हल्का सा पंच फेस दे रही है और ये पंच है और इससे इससे भी ज्यादा नूर से भी ज्यादा फिसा हुआ फेस होता है और फिर पिकी भी आ जाती है। वो पिकी होता है, जो नूर से ज्यादा होता है ना वो पिकी होता है। और ये एक्सट्रीम डॉल फेस, ये जी एक्सट्रीम पंच फेस बिल्ली, सबसे खूबसूरत तरीन बिल्ली, ये एशिया की सबसे सुपर गर्ल। ये है एक्सट्रीम डॉल फेस, इस तरह की होती है। एशिया की सबसे खूबसूरत बिल्ली, मिस पाकिस्तान है ये। बस चलो, इस बिल्लियों में भी अवार्ड्स होते हैं ना, तो सब होस्ट मैं होता तो मैंने इसको जिताना था। देखो इसको इसको इधर पहनाती, छोटी सी बेल्ट पहनाता और लिखता कि मिस पाकिस्तान है, एट्स की ना मिस वर्ल्ड है ये। चले जी, बस अब ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ करो ना।